गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज है संडे और संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट में है एग ब्रेड। तो यहाँ पे मैं एग फ्राई कर रही हूँ और ब्रेड भी टोस्ट कर लूँगी। तो ब्रेकफास्ट सिर्फ आज चंदन के लिए बन रहा है क्योंकि मुझे खाना है वाटरमेलन और इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं है, तो अंडा नहीं खाऊँगी आज मैं। मैंने सोचा जितने भी बर्तन हैं वो साइड में, ये साइड में जितना भी, मतलब उन्होंने सब मतलब निकाल के वो जाली क्लीन कर ली ना, लेकिन ये सब अपने अपनी जगह नहीं रखा था, तो मैंने सोचा सब अपने अपनी जगह रख देती हूँ। और यहाँ पे भी बहुत सारा सामान फैला हुआ है, तो इसे भी मतलब मैंने ग्रॉसरी मंगाई थी ना, तो वो सब अपने अपने डब्बे में भर के एकदम अच्छे से सब सेट करके रखती हूँ। तो चंदन आने तक मेरा ये काम हो जाएगा, फिर खाना बनाने के लिए लूँगी। तो पूरा रेडी हो चुका है यहाँ का, चकाचक करके बापरे बहुत टाइम लगता है। हर एक चीज़ को अपने अपने जगह पे रख दिया है, जो नहीं चाहिए था वो डिस्कार्ड कर दिया है। ये साइड तो पूरी अच्छे से मैंने क्लीन कर दी है, लेकिन इसका जो अपोजिट साइड है किचन का, वो पूरा क्लीन करना बाकी है। और ये नीचे वाले पार्ट भी मैंने अच्छे से क्लीन करके और अपने अपनी जगह पर रख दिए सामान। बॉटल्स दो एक्स्ट्रा थी तो वो कल भर के रखूँगी। ये साइड भी अच्छे से मैंने अरेंज कर दिया है। अब बनाने जा रही हूँ मटन करी, तो उसका ही मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैं रेसिपी एकदम शॉर्ट में म्यूज़िक के साथ ऐड करूँगी, पूरी रेसिपी नहीं बताऊँगी। चैनल पे पहले से ही रेसिपी है, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। सारे बर्तन भी क्लीन कर चुकी हूँ और यहाँ पे मटन पक रहा है, राइस भी पक रहा है। मैं पानी का बॉटल भर के रखूँगी क्योंकि इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है। सुबह से मैंने 4 बॉटल ख़त्म किए पानी की, इतना ज़्यादा प्यास लग रहा है यहाँ पे आके। तो मटन एकदम रेडी है खाने के लिए, और आज मुझे मटन के साथ भाकरी बनानी थी, लेकिन चंदन ने बोला कि मुझे आज दोपहर में राइस खाना है, रात को भाकरी खानी है। तो ठीक है, रात को भाकरी बनाएंगे, अभी खाएंगे हम मटन और राइस। ये है इंद्रायणी चावल, जिसके साथ नॉनवेज काफी अच्छा लगता है। बस रसा नहीं दोनों, बस 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 बस। प्याज भी है दही डाल के, नींबू। तो आइए राइस और मटन एंजॉय करें हमारे साथ। और आज के दिन मैंने अर्बन कंपनी से एसी सर्विस बुक की थी, तो कूलिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी ठीक से, और गैस भी रिफिल कराना था, तो हमने सोचा कि सर्विसिंग करा लेते हैं। तो 10th फ्लोर पे होने के कारण मुझे थोड़ा डर लगता है कि काम ठीक से करेंगे नहीं करेंगे, कुछ किसी को कुछ ना हो जाए। लेकिन अर्बन कंपनी का फ़ायदा यही है, ये लोग जानते हैं कि खुद को सेफ करके काम कैसे करना है, तो सेफ्टी फर्स्ट है। बाकी तो मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और अपना ध्यान रख के काम किया। एक कल ही ऑर्डर आ गया था लेकिन मैं दिखा नहीं पाई, और ये मेरा फेवरेट काम है, चीज़ें ऑर्डर करना। आपको खोल के दिखाती हूँ।
अब इसमें पानी डाल के चेक करेंगे कि सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। चालू करो, सिर्फ एक ही बटन है ऊपर से ना। एक बात मैंने जस्ट नोटिस की, जब मैं ये हैंडल पकड़ रही हूँ ना और पानी जब डाल रही हूँ तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हीट पास हो रही है और चटका बैठ रहा है, तो मैं खुद भी नहीं रेकमेंड करूँगी, खुद के लिए भी नहीं इसे यूज़ करूँगी। यहाँ तक ठीक है कि ये गर्म हो रहा है, मैं इतना ध्यान रख सकती हूँ, लेकिन हम होश में है और पानी यहाँ से पकड़ रहे हैं और पानी डाल रहे हैं, फिर भी मतलब यहाँ पे चटका, अभी देखो ये अभी भी ये पूरा हैंडल गर्म हो चुका है, तो मैं बिल्कुल भी इस प्रोडक्ट को नो बोलूँगी। मैं इसे मुझे इसे रिटर्न ही करना पड़ेगा और मैं कुछ अपने लिए दूसरा वाला प्रोडक्ट देखती हूँ। एक्चुअली मुझे ये ग्लास का था ना, तो मुझे इसीलिए लेने के लिए मतलब एक्साइटमेंट थी, क्योंकि ना जो दूसरे वाले मैंने देखा है ना, अंदर से ना बहुत ख़राब दिखते हैं, अंदर से ना मतलब पानी गर्म कर कर करके ना बाद में ना वो खराब दिखने लगते, तो मुझे ये अच्छा लगा था। अंदर से कॉइल होती है वो। अंदर से कॉइल होती है, जाने दो, गर्म ही है, देखो गर्म ही है, ये भी अभी गर्म, ठीक है। और ये दूसरा ना टिश्यू पेपर होल्डर मंगाया है मैंने, टॉप पे मुझे ना वो रखना पड़ता है टिश्यू पेपर, और मुझे बार बार है ना टिश्यू पेपर यूज़ करने की आदत है, तो ये मैंने मंगाया है। अब मैं देख सोचती हूँ पहले कहाँ पे लगाना है, फिर उसके बाद प्लेस करने के बाद एक बार दिखाऊंगी। लग रहा है बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है लगने के लिए, थोड़ा सा और उसको मुझसे थोड़ा सा स्लाइटली टेढ़ा लगा है, लेकिन ठीक है, काम होने से मतलब, और दिखाई नहीं देगा एक्चुअली वो टेढ़ा भी है तो, उसी के मतलब मेजरमेंट का है ना, इजीली जाना चाहिए था अंदर, थोड़ा टाइट चाहिए इतना। फाइनली बैठ गया बहुत मेहनत के बाद, ठीक है अब लगाओ वो, टेढ़ा समझ में आ रहा है इतना नहीं ना, लेकिन ये रोल ये साइज में आ रहा है, इससे बड़ा रोल होगा तो वो नहीं, इस इतने ही साइज का रोल होता है मोस्टली, इससे छोटा भी होता है लेकिन इतना ही ठीक रहेगा मुझे लगता है ना। एक्चुअली मुझे कहाँ लगाना था पता है, मुझे इस जगह पे लगाना था फ्रिज के यहाँ पे, लेकिन ये है ना गर्म होता है ये साइड, और फिर ये जगह है लेकिन ये वायर की वजह से फिर डिस्टर्ब हो रहा था, और फिर यहाँ तो लगाने का सवाल नहीं उठता, यहाँ पे बैठ सकता था लेकिन इतने पास में फ्लेम है तो अगेन इम्पॉसिबल, तो ये वाला जगह चूज़ किया। आज घर के पर्दे सारे क्लीन किए हैं तो थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पे अलग पर्दे थे पहले ब्राउन कलर के और नेट वाले, तो वो मैंने अभी निकाल दिए हैं, और मेरे बेडरूम का सिर्फ एक ही कर्टन यहाँ पे लगाया है, और जो दूसरा वाइट वाला था इसके साथ पेयर में वो नहीं लगाया, वो मैं वो साइड में लगाऊंगी, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा होल हो गया है, गलती हो गई थी जब वो आए थे, उन्होंने मतलब कुछ ज़्यादा ही ड्रिल कर दिया, तो अभी उसको रिपेयर करना है। फिर तो परसों मैंने मांदेली फ्राई की थी, तवा फ्राई, तो आज चंदन को खाने मांदेली के पकौड़े, तो उसी की तैयारी चल रही है। और आज मैंने ना इसमें कोई बेसन या कॉर्नस्टार्च मैदा नहीं यूज़ किया है, मैंने इसके अंदर ना कॉर्न का जो मक्के का आटा है ना प्रॉपर, वो 4 चम्मच ऐड करके बना रही हूँ। तो मैं भी पहली बार ही मक्के का आटा ट्राई कर रही हूँ, लेकिन लग रहा है क्रिस्पी बनेंगे काफ़ी अच्छे। ये जो कढ़ाई है वो आयरन की है, तो इसमें फ्राई का जो भी करना होता है ना वो बहुत अच्छे से होता है। थोड़ी छोटी कढ़ाई है ये, और इसमें कम तेल में मतलब थोड़ा टाइम लगता है पकने के लिए, मतलब ज़्यादा बैच में फ्राई करना पड़ता है, लेकिन वही ठीक है, नहीं तो ऑयल ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, इसीलिए मैं ये छोटी कढ़ाई लेना ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, हम दोनों के लिए तो यही यूज़ होता है, अगर कोई मेहमान आए तो तब मैं बड़ी कढ़ाई यूज़ करती हूँ। वो बहुत अच्छे क्रिस्पी बन रहे हैं, मुझे अब भी समझ में आ रहा है एकदम ऐसे।
डिनर करके हो चुका है और अभी लास्ट एक काम बचा था कि भगवान का जो भी तोरण था ना मंदिर का वो क्लीन करने का, तो ये भिगो के रखा था सुबह मैंने सर्फ में, तो अभी इसे अच्छे से क्लीन करके तो रात भर में ये ड्राई हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखना और व्लॉग कैसे लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। Thank you.